उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में विगत पिछले 10 वर्षों में 246 लापता एवं गुम लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अपहरण के कुल 28 मामलों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। इसी सिलसिले में अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा ऑपरेशन तलाश अभियान चलाया जा रहा है, जो कि गरीबों एवं पीड़ितों के खोए हुए परिवारों के हित में है, जिसमें एडिशनल एसपी पश्चिमी विशाल पांडे व एडिशनल एसपी पूर्वी श्याम देव के अधीन एवं सीओ टांडा व सीओ देवेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में अभियान का श्री गणेश हो चुका है। इस अभियान ऑपरेशन तलाश के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के खोए हुए गुमशुदा व्यक्तियों को पुनः उनके परिजनों से मिलाने हेतु सघन प्रयास करना है और यशाशक्ति मदद करनी होगी। ऑपरेशन तलाश क्या है और इसमें किस तरीके से आप लोग जो है काम करेंगे? देखिए, जनपद अम्बेडकर नगर में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के अधीन सीओ टांडा के पर्यवेक्षण में ऑपरेशन तलाश शुरू किया गया है, जिसमें हमारे HTU DCRB सर्विलांस सेल और हमारे मीडिया सेल और साथ में हमारे मीडिया के बंधु लग के एक ये जॉइंट अभियान के रूप में इसे चला रहे हैं। हमारे जनपद में विगत 10 वर्षों में 246 गुमशुदा हैं जो बरामद नहीं हुए हैं और साथ में 28 ऐसे अपहरण के मामले लिखे गए हैं विगत 10 वर्षों में, जिसमें बरामदगी नाबालिग की सुनिश्चित नहीं हो पाई थी और विवेचना समाप्त हो गई थी। इन सभी मामलों में, जो लगभग 270 से अधिक मामले हैं, इनमें इनके सभी परिजनों को आज बुलाकर उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है तथा इन सभी 275 के आसपास जो हमारे गुमशुदा और अपहरित लोग हैं, इनका डोजियर बनाते हुए हम विभिन्न पोर्टल पे, हमारे केंद्र सरकार के पोर्टल पे, हमारे प्रदेश के विभिन्न राज्यों में, हमारे विभिन्न बाल सेवा केंद्रों में, मानसिक तनाव से पीड़ित लोगों के असाइलम में, इन सब में इसको भेजा जाएगा और इस माध्यम से इन सभी लोगों को इनके परिवारों से जुड़ाने के लिए ये अभियान के रूप में एक प्रयास किया जा रहा है। सर, ये कोई शासनादेश है या आपकी स्वयं की पहल है? देखिए, शासन के माध्यम से लगातार इसको करने की एक हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, मगर साथ में इसको अभियान मोड में जनपद अम्बेडकर नगर में इसलिए चलाया जा रहा है ताकि एक बार हम सभी का फोकस इस पर जाके एक मिशन मोड में इसे हम लोग करते हैं। क्या लगता है सर, जो 275 परिवार जिन्होंने आस खो दी है, इस मिशन से उन कितने पैसे लौट पाएंगे? ये देखिए, अब हम लोग अभी प्रयास करेंगे, उम्मीद है कि सभी लोगों के प्रेयर से, सभी लोगों के सहयोग से इसमें एक अच्छी सफलता मिलेगी और आप लोगों के सहयोग से देश के विभिन्न कोनों तक हम इन लोगों की, जो इनके परिवार की आशा है, जो उम्मीद है, उसको वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।